मोहब्बतिन हज़रात, पेशे खिदमत है प्रोग्राम क्रिश्चियन राइजिंग स्टार्स पाकिस्तान। क्रिश्चियन राइजिंग स्टार्स पाकिस्तान एक प्लेटफॉर्म है कैथलिक टीवी का, जहां से हम अपने उन तमाम टैलेंटेड नौजवानों को आगे लेकर आते हैं, प्रमोट करते हैं, जिनके अंदर खुदा ने बहुत सारी खूबियां, बहुत सारे टैलेंट रखे हैं और बहुत सारे फजाइल और बरकात भी अता की हैं। क्रिश्चियन राइजिंग स्टार का मकसद सिर्फ यही है कि लोग हमारे इन नौजवानों को जानें, उनकी खूबियों से आगाह हों और उनको अप्रिशिएट करें। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारे नौजवानों के ये टैलेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें, हमारे नौजवान भी बरकत पाएँ और आप भी बरकत पाएं और पूरी कौम बरकत पाए। आज हमारे साथ दो बहनें, दो सगी बहनें राइजिंग स्टार्स हैं। इन्होंने 2019 के हमारे प्रोग्राम क्रिश्चियन राइजिंग स्टार्स के मुकाबले में हिस्सा लिया और बहुत नुमाया तौर पर उभर कर सामने आई। आज हमने उन्हें कैथलिक टीवी के स्टूडियो में दावत दी है ताकि उनके साथ बातचीत भी करें और उनसे कुछ गीत भी सुने। मैं तारफ करवाता हूं, मेरे साथ तशरीफ रखती हैं चंदा एग्नेस और उनके साथ उनकी बहन है अंबर शहजादी। मैं आप दोनों बहनों को कैथलिक टीवी में और क्रिश्चियन राइजिंग स्टार्स के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। थैंक यू। चंदा और अंबर, आपको यकीनी तौर पर खुदा ने बहुत बरकत दी है। आपकी आवाज़ें ज़बरदस्त हैं, खूबसूरत हैं और आपने हमारे राइजिंग स्टार्स के मुकाबले में बहुत अच्छा गाया भी है। क्या आप किसी से ये मौसीकी सीख रही हैं या खुद ही कुछ कोशिश कर रही हैं? खुदा की तरफ से आवाज़ का तोहफा है, जिस पे मेहनत जो है वो हमारे पापा ने की है। तो आप खुद भी कुछ कर रहे हैं या पापा भी बैठे हुए हैं? नहीं, मज़ीद हम और प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ इंटरनेट से हम नई प्रैक्टिसेस देखते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं और पापा भी हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, हमें नई नई चीज़ें, नई नई टिप्स बताते हैं जो कि हमारे गले को और खूबसूरत करें और उनकी हम प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, ये बताएं, आप लोगों ने कुछ क्रिश्चियन राइजिंग स्टार्स 6 महीने हमने आप लोगों को तरबियत भी दी, उससे भी कुछ सीखा है कि बस वो एक आने जाने वाला प्लेटफॉर्म था? नहीं, बहुत कुछ सीखा है। जो हम आम तौर पे जो प्रैक्टिसेस करते हैं उनमें सर आमिर की बताई हुई, सर फैसल की, आपकी बताई हुई प्रैक्टिसेस भी शामिल हैं, जिनकी वजह से हम यहाँ पे हैं। इनिशियली जब इधर ऑडिशन हुआ था तो हम ऑडिशन में आए थे, तो अभी बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा था कि हम शायद ऑडिशन से भी सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम, जैसे हमें कॉन्फिडेंस जो है ये इस प्लेटफॉर्म से मिला है, जो कि हमें खुद पे कॉन्फिडेंस से मिला कि मैं ये कर सकती हूँ, मुझ में वो बात है कि मैं इतने लोगों के सामने खड़ी होकर कुछ गा सकूँ। कॉन्फिडेंस हमें इस प्लेटफॉर्म से मिला और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। अच्छा, आज आप कौन सा पहला गीत है जो हमें सुनाने जा रही हैं? ये ज़बूर है, रब साडा साडे उत्ते अपना रहम बखावे। तो आए नाज़रीन, ज़बूर सुनते हैं, रब साडा साडे उत्ते अपना रहम दिखावे। अपना रहे मुझे।
आपने ये जबूर बहुत अच्छा गाया, ये एक आम कॉमन सा खूबसूरत सा जबूर है जो आम लोग गाते हैं और इस जबूर के वसीले से बड़ी बरकत पाते हैं। आमतौर पे ये चर्चेस में भी गाया जाता है, जहाँ कोई बड़ा प्रोग्राम हो वहाँ पर भी, और ये तो अब घरों में भी सुबह सुबह उठ के गाया जाता है। एंड थैंक यू, आप लोगों ने जबूर को बहुत अच्छे तरीके से गाया है और निभाया है और एक ज़बरदस्त किस्म की रूह परवर एक कशिश थी इसमें जो सामने लेकर आए हैं। चंदा एग्रेस, क्या आप सिर्फ गीत ही गाते हैं या चलते चलते जैसे आजकल बड़ा फैशन हुआ हुआ है कि टोल टमके के साथ, या आप कोई मसीही स्लो गीत और गज़लें भी गाते हैं? मैं गज़लें भी गाती हूँ, गाने भी गाती हूँ और गीत भी गाती हूँ। गीत हर किस्म के गीत, तेज़ भी और स्लो भी, गाने भी और गज़लें भी। ये आमतौर पर होता है, लोग कहते हैं जी जो अगर आप प्रस्तुति करते हैं तो आप गाने ना सुने, ठीक है? ये देखिए, गाने हमारी कल्चर का एक हिस्सा है, गानों को और प्रस्तुति को लैदा रहना चाहिए। जब प्रस्तुति करें तो फिर प्रस्तुति ही करें, और जब कोई कल्चरल प्रोग्राम है या कॉलेजेस में प्रोग्राम है, गानों का प्रोग्राम है, सो दोनों की अपनी जगह है, कल्चर की अपनी जगह है और मज़हब की अपनी जगह है। और मैं ये समझता हूँ आप बहुत अच्छा कर रहे हैं कि आपने दोनों में बैलेंस रखा हुआ है, क्योंकि मौसीकी तो पाक ही है, आगे शायरी की बात है, अब इधर की शायरी इस तरफ है और प्रस्तुत की शायरी जो है वो अपनी तरफ है। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने इसमें बैलेंस रखा हुआ है। आप अगला गीत कौन सा है जो हमें सुनवा रही है? अगला गीत है जब भी उससे गुजारिशें की हैं, उसने खुशियों की बारिशें की हैं। ये किसने लिखा है ये गीत? ये लिखा और कंपोज किया है फादर सजाद मंजूर ने। नाज़रीन, फादर सजाद मंजूर बहुत अच्छे लिखारी भी हैं और बहुत अच्छे कंपोज़र भी हैं, और उन्होंने बहुत सारे गीत लिखे। आज उन्हीं के लिखे और कंपोज किए हुए गीतों में से आए एक गीत सुनते हैं। चाहता
बहुत अच्छा गीत गाया है। फादर सज्जाद बहुत अच्छा लिखते भी हैं और बहुत अच्छी कंपोजिशन भी करते हैं, और ये कितना अच्छा खूबसूरत गीत है। जब भी उससे गुजारिशें की हैं, उसने खुशियों की बारिशें की हैं। उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है और आपने बहुत खूबसूरत गाया है। गॉड ब्लेस यू। अभी तक आपने मिलके दोनों ने गीत गाया है, क्या आप अलहदा अलहदा भी गा सकते हैं? जी बिल्कुल। चंदा, आप कौन सा गीत आज हमें सुनाएंगी? मेरी आंखों में नए ख्वाब सजा दे यीशु। मेरी आंखों में नए ख्वाब सजा दे यीशु। तो आए सुनते हैं। ये बहुत खूबसूरत गीत है, एक विजन दिया है। ये भी फादर सज्जाद का ही है? जी बिल्कुल। मुझे लगता है कि फादर सज्जाद के गीत आप बहुत पसंद करते हैं और उनको गाते हैं। मुझे इस बात का इल्म है कि
वो कुछ देर कसूर में रहे थे और उन्होंने वहाँ खिदमत की और नेचुरली उनसे आपको सीखने का मौका मिला है। वैसे आपको उनकी कंपोजिशन कैसी लगती है? बहुत बहुत अच्छी लगती हैं, और जब मैं गाती हूँ जिस रूहानियत से वो मुझे सिखाते हैं उसी रूहानियत से मैं भी गाती हूँ। अंबर, आपने भी उनका कोई गीत गाया है या सीखा है? सब वो जो भी गीत हमें सेंड करते हैं, सिखाते हैं, वो हम पूरी फैमिली, हमारी फैमिली क्वायर है, हम सब सीख के उसको चर्च में गाते हैं। अंबर, चंदा ने ना अकेले हमें गीत सुनाया है, आप हमें अकेले को खूबसूरत सा जबूर सुनाएं। एक बहुत मशहूर जबूर है जो सब लोग सुनना भी और गाना भी बहुत पसंद करते हैं, गाओ सना तुसी रब दी। आज ये जबूर मैं गाऊंगी। आए जी। सचियां दी टोली विच दिल नाल गावा, सचियां दी टोली विच हजरात। चंदा और अंबर ने खूबसूरत गीत गाए हैं। इन गीतों से हमने बहुत बरकत पाई है, इन गीतों की सच्चाई उनकी शायरी से और उनकी आवाज़ों से सच्चे परस्तार होने का एक एहसास मिला है। मेरी दुआ है कि खुदा आप दोनों को बहुत बरकत दे। आपने बहुत सारा टाइम दिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फादर जी। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारे नौजवानों के ये टैलेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें, हमारे नौजवान भी बरकत पाएं और आप भी बरकत पाएं और पूरी कौम बरकत पाए। गॉड ब्लेस यू।